हेलो गाइस, तो मैं हूं रजत चौहान और आपने मुझसे पूछे थे कुछ क्वेश्चंस जिनके मुझे देने थे आंसर्स, तो मैं आज उनके आंसर दूंगा। हाँ, ये मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है पर उसमें शायद कुछ ऑडियो क्वालिटी का इशू था तो उसकी वजह से मैं इसको रीशूट कर रहा हूं। तो अब लेट्स स्टार्ट। तो मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, क्योंकि मैं हूँ CBSE से पढ़ा हुआ तो मुझे इस तरह से डिवाइड करने में बड़ा आसान लगता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। या तो क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, तो कुछ लोगों ने पूछा कि मेरे 10th और 12th में कितने मार्क्स थे। तो 10th में मेरे 74.5% थे और 12th के अंदर 75। मैं साइंस स्ट्रीम से था। आपने कॉमेडी कब स्टार्ट की? तो मैंने कॉमेडी 2014 में स्टार्ट की। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? जी, मेरी फेवरेट गाड़ी गरीबा मारुति। आप पॉपअप करके दिखाइए। तो यार देखो जी, अभी है कोरोना वायरस तो वो पॉसिबल नहीं है। कॉमेडी आपका पैशन है? प्रोफेशन? जी, ये मेरा प्रोफेशन बन चुका है, पहले पैशन था, तो जब अब ये पैशन प्रोफेशन दोनों बन चुका है। पैसे कितने कमा लेते हो? पैसे, अंधा पैसा है, अंधा। Have you cried any jokes in your family? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और finger crossed कि कभी भी ऐसा ना करना पड़े। ये कुछ 1 mark question थे। तो let's move on to our next segment which is 2 marks question। आपका source of humor क्या है? तो जी, मेरा source of humor है observations। जो भी मेरे आसपास चीज़ें हो रही हैं, मैं थोड़ा सा उनको microscopic या minutely observe करता हूँ, जो शायद आप नहीं करते। और क्योंकि मैं इतने साल से कर रहा हूँ तो शायद अब मेरा देखने का जो perspective है वो वैसा हो गया। बस यही एक चीज़ है जिसकी वजह से है। Then is what encourages you towards stand up? तो जी, stand up में क्या है ना कि जब एक सामने ऑडियंस हंसती है, एक वो जो हा एक स्माइल, एक चीज हमारे पास आती है, मुझे लगता है कि यार उससे बड़ा कि कुछ नहीं होता। मतलब आप स्टेज पे गए हो, आपको नहीं पता कि आपका दिन कैसा था और हमें ऑडियंस का नहीं पता कि दिन कैसा था। बस जैसी पहला लाफ आया, वो लाफ एक अलग किक है, वो नशा है यार, उसका कंपेरिजन में किसी चीज से कर ही नहीं सकता। इम्प्रोव और मटेरियल कौन सा डिफरेंट है? तो जी, इम्प्रोव और मटेरियल दोनों ही डिफिकल्ट है। इम्प्रोव ऑन द स्पॉट होता है, बट मैं आपको बता दूं कि इम्प्रोव में भी आपके पास बैक ऑफ माइंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपके पास है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको नहीं पता होता। तो ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें छोटी छोटी लिख रहा होता हूँ, बट वो जोक कभी कन्वर्ट नहीं होते, बट इम्प्रोव में वो जोक्स काफी काम आते हैं। देन मटेरियल परफॉर्म करना है कि मटेरियल का जो हार्डवर्क है वो ऑलरेडी 24/7 चलता है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही मुश्किल है। फैमिली सपोर्टिव थी? यस, मेरी फैमिली पहले दिन से सपोर्टिव थी, क्योंकि मैं ये जॉब के साथ कर रहा था। जैसे आप लोग करते हो 9 to 5 जॉब, मैं 9 to 5 जॉब के बाद जब रात के 8-9 बजे के बाद मैं ओपन माइक जाता था। मुझे परफॉर्मेंस करने की जगह मिलती थी या नहीं मिलती थी वो अलग चीज़ है, बट मैं जाके देखता था, तो शायद मेरे वो एक्सपीरियंसेस बहुत काम आए मेरी लाइफ के अंदर। किटी पार्टी आपने कभी फैमिली के साथ अटेंड करी है? जी नहीं, मैंने कभी अटेंड नहीं करी है, बट बिकॉज ऑफ स्टैंड अप मैंने बहुत सारे स्टैंड किटी पार्टी में परफॉर्म किया है। और किटी पार्टी में जब आप परफॉर्म करते हो तो आपके एक्सपीरियंसेस वो एक वीडियो में काम आ गए, बस, और उसी वजह से किटी पार्टी वीडियो निकल आया। तो वो ऑडियंस खराब नहीं है, बट वो था कि एक एम्बियंस था, वो अलग तरह का जोन था। अब आते हैं हम 3 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर। तो मुझे लगता है ये आप थोड़ा समझने लगे हो 3 मार्क्स क्वेश्चन। वो है कि अगर आप स्टैंड अप नहीं करते तो साथ में क्या करते? बड़ा मुश्किल है मेरा बताना कि मैं क्या करता। मैं शायद एड्स लिख रहा होता या जिंगल्स लिख रहा होता या कुछ लिख रहा होता, मुझे भी खुद नहीं पता। बड़ी मुश्किल से कॉर्पोरेट से छोड़ के यार ये समझ में आया कि स्टैंड अप ही कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। अब जॉब छोड़े हुए 3 साल हो चुके हैं, उससे पहले मैं 3 साल जॉब के साथ कर रहा था, तो मुझे लगता है कि यार अब मुझे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है और शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगा। फ्यूचर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी इन इंडिया। फ्यूचर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी में मैं बता दूं कि स्टैंड अप अभी इंडिया में सिर्फ 10 साल हुए हैं और 10 साल के टाइम स्पैन के अंदर अभी स्टैंड अप ग्रो कर रहा है। यूएस यूके में स्टैंड अप पिछले 60s से हो रही है, तो कम से कम 5-6 डेकेड्स हैं उनके पास, एक हिस्ट्री है, एक डेटा है जिससे वो ये फिगर आउट कर सकते हैं कि स्टैंड अप कैसे जा रहा है। इंडिया में अभी ऐसा डेटा नहीं है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, फ्यूचर ब्राइट है। और हम सारे जितने भी कॉमिक परफॉर्म कर रहे हैं, हम सिर्फ मतलब अभी परफॉर्म कर रहे हैं और क्या फ्यूचर में होने वाला मुझे नहीं पता, हर साल कुछ ना कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है। क्यों सोचा स्टैंड अप? क्योंकि मुझे पसंद है यार। आप, मैं दिन में कितना भी परेशान हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, जैसी मैं स्टेज पर जाता हूँ, जैसी ऑडियंस पहली बार हंसती है, मुझे लगता है कि उससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं है। एब्यूजिव कंटेंट क्यों नहीं? यार मैंने कोई ये बाय चॉइस नहीं लिया था कि मुझे कभी एब्यूजिव कंटेंट नहीं देना। मैं रियल लाइफ के अंदर कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ और इन जनरल भी मैं गाली नहीं देता हूँ, तो जो बंदा गाली नहीं देता तो उसके कंटेंट में जनरली गाली नहीं आती। अगर आप जिन स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखते हो जो गालियां देते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि वो लोग उनके टोन में गाली है, ना कि वो
ऑन पर्पस गाली दे रहे हैं। माय फेवरेट कॉमिक, तो जी मेरा फेवरेट कॉमिक है नितिन गुप्ता, रिवाल्डो की तरह जाना जाता है उनको, काफ़ी बेहतरीन कॉमिक है और मुझे उनकी राइटिंग बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से जो लोग कॉमेडी सर्किट में उनको जानते हैं उनको वो काफ़ी पसंद है। उसके अलावा बहुत सारे कॉमिक्स हैं बट मेरे वन ऑफ दी ऑल टाइम फेवरेट नितिन गुप्ता भी हैं। बिजार और फक्ड अप गिग बहुत सारे हैं यार। मुझे लगता है कि स्टैंड अप इज 90% रिजेक्शन एंड 10% एक्सेप्टेंस। जैसे जैसे आप फेमस होते हो तो आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है बट इन रियल लाइफ आपका रिजेक्शन बहुत हाई रहता है। जैसे आप शोज के बारे में बात करूं कि एक मैं कॉर्पोरेट शो कर रहा था तो उसके अंदर पहले उन्होंने कॉमेडी नाइट विद कपिल चलाया हुआ था अपने वो एक प्रोजेक्टर पे और उसके बाद उसको रोक के बोला कि अब तुम हंसाओ। तो यार बड़ा ही मतलब सेटअप ऑड था वो मेरे लिए। नोबडी लाफ वाले मोमेंट्स होते हैं यार। आप कभी करके होता है कि आप सोच के जाते हो कि यार इस जोक पे इतना लाफ आएगा। मैं हर दिन अपना सेट परफॉर्म करता हूँ एंड हर दिन उतना ही लाफ उसमें नहीं आता है। किसी दिन किसी पंच पे ज़्यादा लाफ आता है, किसी पे कम आता है, पर मेरे ख्याल से जितना हम परफॉर्म करते रहते हैं हमें एक एश्योरेंस हो जाती है कि इतना लाफ तो आएगा ही आएगा। तो दैट्स हाउ आई हैव फिगर्ड आउट। सो लेट्स टेक 5 मार्क्स क्वेश्चन। हाउ डू यू सिलेक्ट अ टॉपिक इन स्टैंड अप? तो जो मेरी स्टैंड अप है वो है मोरली ऑब्जर्वेशनल एंड स्टोरी टेलिंग। तो अब मेरे साथ क्या होता है कि मैं एक ऑब्जर्वेशन लेता हूं जो मुझे इमोशनली कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है। मेरे मतलब अगर मुझे कोई चीज़ इमोशनली बॉदर नहीं कर रही या ट्रिगर नहीं कर रही मुझे तो मैं उस टॉपिक पे लिख नहीं सकता। अगर आप मुझे बोलोगे कि चलो आप एक मोबाइल पे लिख दो तो मेरे लिए शायद डिफिकल्ट होगा। पर अभी क्या होता है कि मेरे लिए कुछ इमोशनल ट्रिगर करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ओला शेयर का। जब मैंने ओला शेयर किया था, ओला शेयर मेरी लाइफ में तब हुआ था कि जब मैंने जॉब छोड़ी थी और मुझे पता था कि मुझे अभी नहीं आइडिया कि मेरे पास पैसे कब आएंगे एंड आई वॉज रनिंग ऑन माई सैलरी। तो मैंने क्या किया कि मैंने ओला की जगह ओला शेयर लेनी शुरू कर दी और उस दिन वो एक्सपीरियंस इतना मतलब लंबा था और बस उस दिन मैंने वो कहानी लिखना शुरू किया और मैंने उसको करीबन 200 टाइम्स परफॉर्म किया। हाँ 200 टाइम्स। अब आपको लगता है कि 200 टाइम्स की जरूरत क्या पड़ती है? क्योंकि हर लाइन फनी नहीं बन सकती है एक बार में। आप हर दिन ट्राई करते हो, आप हर दिन उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हो, चाहे वो छोटा सा नुएंसेस हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो या कुछ भी हो सकता है। तो मैं उसके अंदर रेगुलरली कुछ ना कुछ काम करता हूँ। पहले आप बहुत सारी बिट्स पे काम करते हो बट अगर आप देखो कि 200 बार अगर आपने एक बिट को किया है 200 बार तो आप सोचो कि ऑलमोस्ट आप एक साल में 200 बार स्टेज पे नहीं जा पाओगे क्योंकि उतने ओपन माइक्स या उतने शोज नहीं होते। अभी मेरे पास एक लिबर्टी है कि मैं लाइव शोज करता हूं तो मेरे पास एक नंबर ऑफ शोज की क्वांटिटी ज्यादा है जिसके अंदर मैं हर दिन कुछ ना कुछ अपने सोलो के अंदर एक ऐड करता हूं। क्योंकि अगर मैं उसमें कुछ और ऐड नहीं करूंगा तो मेरे लिए कुछ एक्साइटिंग बचेगा नहीं क्योंकि मैं सेम जोक 200 बार कर चुका हूं तो मेरे पास वो सेम फीलिंग से करना बड़ा मुश्किल काम है। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो ओला शेयर ऐसी स्टार्ट हुई थी और मैंने उस पे लिखना शुरू किया और 200 बार मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद मुझे लगता था कि अब इसको मैं पका चुका हूं तो अब ये लाइव शोज रेगुलर में करूंगा तो वहां पर हमेशा किल होगा और फिर मैंने उसको निकाला। देन उसके बाद क्वेश्चन है आपका हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मेक एन ऑब्जर्वेशन फनी? यार इट डिपेंड्स। जैसे मैं स्टैंड अप जब स्टार्ट किया था तो मैं एक जोक लिख के जाता था। जैसे मैंने लिखा कि ओला शेयर का जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी लंबी होती है तो अब वो लंबी पे एक जोक बनाना हर कोई बता देगा लंबी होती है एंड एवरीबडी विल आइडेंटिफाई विद दिस। बट टू मेक इट फनी इसकी एक स्टोरी बनाई ताकि आपको उसका एसेंस मिल जाए। जब भी आप वीडियो को देख के मुझे बोलते हो कि यार ये तो सब कुछ मेरे साथ भी हुआ हुआ है या बिल्कुल कनेक्टेड है तो इसलिए लगता है क्योंकि मैं वो टॉपिक के साथ जी रहा हूँ, अपने साथ उस टॉपिक को लेके मैं जीता हूँ। दैट्स वाई उसकी फीलिंग आपसे आप तक कनेक्ट करती है। अगर कोई चीज़ इमोशनली कनेक्ट नहीं करेगी तो वो वर्थ नहीं होगा, वरना फिर वो जोक्स रह जाएंगे जो कि आप व्हाट्सएप पे भी पढ़ सकते हो या आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। द ओनली डिफरेंस इज क्योंकि मैं उसको इमोशनली आपको सुना रहा हूँ तो वो आप तक कन्वे हो रही है। इसके लिए बहुत टाइम लगता है और हर कॉमेडियन का तरीका बहुत डिफरेंट है कॉमेडी करने का। मेरा इस तरह का तरीका है कि मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल थॉट सोच के फिर स्टोरी बनाता हूँ, उसके आसपास लिखता हूँ, कनेक्टिंग हूँ, थोड़ा कॉमन मैन वाली बातें करता हूँ। तो वो चीज़ है, मेरा कोई भी वीडियो देखें तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि मैं कभी भी सामने वाले कैरेक्टर को डिमीन नहीं करता हूँ। सिर्फ आप मल्टी लेवल मार्केटिंग का देखोगे तो उसमें मैंने डिमीन नहीं किया, उसमें भी मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ कि यार मतलब मैं बन रहा हूँ, मैं गलेबल हूँ और मुझे बनाया जा रहा है। तो आप कभी भी किसी स्टोरी में देखोगे तो मैं कभी भी अपने जो
अपोजिट करेक्टर होता है, मैं कभी भी उसको डिमीन नहीं करता या मैं डिफेम नहीं करता। जैसे ओला शेयर है, बड़ा आसान है कहना कि यार ओला का ड्राइवर कितना बेवकूफ है, बट कोई ये भी तो कह सकता है कि यार ओला शेयर आपने ली क्यों, तो आपका होल पर्पस डिफीट हो जाएगा अगर आप आपकी कहानी में कोई उसको एक लाइन से डिफीट कर दे। तो शायद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं कभी भी सामने वाले करेक्टर को डिमीन नहीं करता, ये मेरी स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग का एक और पॉइंट है, विच इज कि समटाइम्स जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन एक ऑलरेडी मैं इतना नर्वस हूँ और इतनी बार मैं बिट कर चुका हूँ तो हर बार उतने कंसिस्टेंट लाफ नहीं आते, कभी कभार किसी चीज़ पे ज़्यादा लाफ आ जाता है उसकी वजह से नेक्स्ट पंच पे लाफ नहीं आता, तो मेरे लिए वो रिकॉर्डिंग खराब है। तो एक परफेक्ट रिकॉर्डिंग ढूंढते रहते हैं हम लोग और वो मिलना आसान नहीं है, उसके चक्कर में बहुत कॉस्ट खराब होता है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी टीडियस है और काफ़ी टायरिंग है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको कि आप पॉकेट मनी, जिन लोगों ने पॉकेट मनी देखी है, अगर आप उसमें एक चीज़ देखेंगे कि उसमें पहले आता है सुदामा फिर बीरबल, अब तो उसमें ना तीसरी बार भी आता है कि जब मेरा दोस्त बोलता है मुझे कि यार तेरे पास पैसे नहीं है तो एक काम करते हैं बैंक लूटते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है नीरव मोदी। तो अब क्या है कि वो छोटे छोटे एलिमेंट्स ना कभी कभार मिस हो जाते हैं वाइल्ड रिकॉर्डिंग इट, क्योंकि आप थोड़े से नर्वस भी हो और उस दिन वैसा नहीं हुआ, तो यार फिर आप कहते हो कि यार आई गेस मैक्सिमम सब बिटों में से रिकॉर्डेड वाली बिट में से ये बिट बेटर है तो मैं ये निकाल देता हूँ, वो यार बड़ा मतलब और लगता है, दुख लगता है मुझे, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक चैलेंजिंग पार्ट है। ऑडियंस इंटरेक्शन, तो मैं ऑडियंस इंटरेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मेरा एक शो है बचपन, तो मैं उस शो को 90 मिनट्स के लिए परफॉर्म करता हूँ, उसमें से आप 10 या 15 मिनट ऑडियंस इंटरेक्शन होता है। वो इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑडियंस डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से आया है, एक रूम में 50 to 100 लोग बैठे हैं जो कि डिफरेंट डेमोग्राफिक्स एज टेंशन के साथ आए हुए हैं, तो आपको उनको कंफर्टेबल करना है, तो अगर आप उनसे इंटरेक्ट करते हो तो एटलीस्ट वी नीड अ कॉमन ग्राउंड जिसके ऊपर हम बात कर सकें या किसी को छेड़ के हम एक माहौल बना सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट हम करते हैं। और मैं बताऊं कि क्राउड वर्क कभी भी आसान काम नहीं है, जो कॉमिक्स क्राउड वर्क कर रहा है उसके लिए मेहनत लगती है, आपके लिए बड़ा आसान है यूट्यूब पे कहना कि अरे यार ये क्या दिखा रहा है, उसके लिए रियल एफर्ट लगता है, अपनी लाइफ में एक बार क्राउड वर्क करके देखो आपको पता लगेगा कितना डिफिकल्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिकॉर्डिंग, तो मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पे मैं वीडियो कम क्यों डालते हैं कॉमिक्स, क्योंकि हम लोग हर शो रिकॉर्ड नहीं करते हैं पहली बात, और एक बिट को बनने में लगता है 1.5 साल 1.5 से 2 साल, और इतना लंबे टेन्योर के अंदर मैं उसके बाद उस वीडियो को उस बिट को निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैं उसको लाइव शो में परफॉर्म करूंगा, मोर आई विल परफॉर्म, मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी स्टैंड अप की, मोर आई विल लर्न, और मैं उस बिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ शॉपिंग का, शॉपिंग वाली बिट के अंदर मैं कितने सारे एलिमेंट्स और ऐड कर सकता था अगर मैं उसको ना निकालता, या मैंने कुछ रिकॉर्ड करते वक्त वो रिकॉर्ड हुए नहीं। जैसे शॉपिंग में होता है कि आपको कोई टैप करके बोलता है कि भैया इसमें एम साइज है, और आपका पहला आंसर होता है कि मैं यहां काम नहीं करता, तो ये बड़ा आसान है करना, और ये वाला बिट मेरा उस रिकॉर्डिंग में है ही नहीं। या कभी कभार आपके साथ ऐसा होता है कि आप कभी शोरूम में जाओ या कहीं शॉपिंग कर रहे हो तो अचानक कोई टैप करके बोलता है कि भैया SBI का कार्ड बनवा लो, तो यार ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था बिट उस दिन ये बिट्स मैं बीच में भूल गया, या मुझे उस दिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई, या उस टाइम उसमें वो लाफ नहीं आया जिसकी वजह से मुझे वो पार्ट्स काटने पड़े। तो कभी कभार हर रिकॉर्डिंग अच्छी आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ को 15-15 बार रिकॉर्ड किया है, आई रियली वॉन्ट टू बी अ लाइव परफॉर्मर और मुझे लाइव परफॉर्मर ही बनना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट यूट्यूब इज समथिंग जहाँ पे मैं अपने पोटेंशियल को दिखा पाऊँ आपको, ताकि आप लाइव शो में आ पाओ, इसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार इसी से बहुत पैसा कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जितना हार्डवर्क हम पुट कर रहे हैं उसके हिसाब से यूट्यूब विल जस्टिफाई, और तो हम लोग अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो लाइव शो में अभी तक नहीं आए हैं या आना नहीं चाहते या उनके मन में इनहिबिशंस हैं कि क्यों आए, तो I would love to tell you कि एक बार आप एक लाइव शो में आके देखिए, आपका perspective चेंज होगा, आपको जो लगता है कि लाइव शो में कैसा माहौल होगा कैसा होगा आप एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। कभी कभार वीडियोज़ में आपको लगता है कि यार ऑडियंस इस जगह पे क्यों हंस रही है जबकि हंसना भी नहीं चाहिए था उनको, वो ऑडियंस इसलिए वहाँ हंस रही है क्योंकि उस कॉमिक ने 90 मिनट का शो दिया है जिसमें से आप सिर्फ 10 मिनट देख रहे हो, और उस 10 मिनट के अंदर
ऐसा क्या कहते हैं, आपको नहीं पता लगेगा कि यार उसने पहले कुछ कौन से रेफरेंसेस का यूज किया है या उसने क्या माहौल क्रिएट किया है। तो मुझे लगता है कि फिर बड़ा अनजस्टिफाइड है आपके वो कमेंट्स लिखना कि यार ये तो फनी नहीं है, तो बड़ा ही वो चीज है। तो जो लोग अभी लाइव शो देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट। बाकी हाँ ये है कि कुछ वीडियो से काफी स्टैंड अप कॉमेडियन पॉपुलर हो गए हैं बहुत कम वीडियो से, विच इज अ नाइस थिंग, बिकॉज उससे हमें एडवांटेज होता है कि उनके लाइव शोज में ऑडियंस भर के आती है। जब भर के आती है तो फिर वो लाइव शोज और देखने आती है और फिर वो हमारे शोज में भी आती है कि आप किसी भी कॉमिक का लाइव शो देखने जा सकते हो। आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार लाइव शो का एक्सपीरियंस करो। यस टिकट्स आर लिटिल एक्सपेंसिव बट आपको वर्थ लगेगा। आपको जिन्होंने भी मेरे लाइव शो में अभी तक आए हैं उनका एक्सपीरियंस फार बेटर रहा है और एज पर देयर फीडबैक मेरे लाइव शोज फार बेटर है मेरे वीडियोज से, बिकॉज वहां पे मैं 90 मिनट परफॉर्म कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक पूरा शो है और आप जो वीडियो पे देख रहे हो वो एक ट्रेलर है। बाकी रेस्ट है लास्ट थिंग विच इज अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद स्टैंड अप कॉमेडी। कई बार वर्ड्स से ना हंसा के मैं बॉडी से हंसाना चाहूंगा या अपने एक्सप्रेशन से, तो मे बी समटाइम्स आई विल पास समटाइम्स आई विल फेल, बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस स्टेज पे हूं जहां पर मैं मॉडरेटली लोग जानते हैं मुझे मॉडरेटली, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो अच्छा स्पेस है जिसके अंदर मैं जो चाहूं मैं वो कर सकता हूं, मैं वैसा क्रिएट कर सकता हूं। रेस्ट आप कभी भी लाइव शो में आइए, आप किसी के भी लाइव शो में आइए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। दैट्स ऑल आई वुड लव टू टेल यू। होप कि आपके क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए हो, तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और लास्ट की वीडियो कब आएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीडियो कब आएगा। तो मेरा एक वीडियो अप्रैल में आएगा, उसके बाद मेरे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी अब बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी क्योंकि मैं अब लाइव शो परफॉर्म करने जा रहा हूँ। एक शो है जो मेरा बचपन जो 90 मिनट का है और उसके साथ मैं पैरेलली 5 मंथ से एक शो लिख रहा हूँ और अभी भी वो पूरा पक्का नहीं है, तो मे बी शायद मैं उसके ट्रायल्स सोलो जुलाई से करना शुरू करूंगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे शोज देखने में तो आप बुक माई शो पर जा सकते हैं, आपको टिकट्स मिलेंगी, या आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑफिशियल रजत चौहान। और स्टे कनेक्टेड एंड सी यू समडे। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।